भाई अगर आप सभी लोग ईवो M10 के लिए डायमंड बचा के M10 का बहुत दिनों से वेट कर ना, तो भैया इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी ईवो M10 ना फाइनली अपने इंडिया से रिटर्न आने वाली है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कब आएगी एंड कैसे, कौन से इवेंट आएगी एंड कैसे, उसके अंदर कितने डायमंड लगेंगे, सब कुछ एकदम डिटेल के साथ स्टूडेंट बताने। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे प्यारे भाइयों के, उससे पहले आप सभी से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश, तरीका है भीख मांगने का कि कोई भी दोस्त चले पर नया रखना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपके भी चैनल है, अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे आपसे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसे लगता है आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड कैसे आपको 10 के साथ क्रॉस नीचे के रेट का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, बेलटन गोल पे सेट कर देना एंड गाइजर वीडियो लाइक यूज कर देना। अब लोग करते वीडियो को, वही अपना जो पहला अपडेट निकल गया था ना, वो गाइज हमारा कमाल का अपडेट निकल गया, जो गाइज अपना अनीता कैरेक्टर है ना वो अभी तक नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे। तो फाइनली कैसे वो हमारे 1,000 रुपए ना गाइज अपने यहाँ पर एक फेड एविलियन आ चुका है, जैसे कि अपना केक कैरेक्टर आया था ना फेड एविलियन ने, तो वैसे गाइज यहाँ पर आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो अनीता का आपको फेड एविल देखने को मिल रहा ना, तो ये अपने 800 रुपए आने वाला कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर से ये होगा कि भैया अपना यार ये जो कब तक आएगा, ये आप लोग जरूर से मुझे जानना चाहोगे। तो मैं आपसे को बता दूं, ये जो इवेंट है ना गाइज अपने 800 रुपए ना अपन को अगस्त की 5th एनिवर्सरी के स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगा, मतलब कि आई थिंक 5th एनिवर्सरी 10 तारीख है ना, तो 10 तारीख से पहले पहले ये फेड एविल 800 के अंदर आ जाएगा। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर ना अनेटिकली ये फेड एविल 7 दिनों का होता है, तो लगभग ना आई थिंक 9-10 ऐसे कुछ को आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई ग्लोबल की स्किन आपको दी जाए, जो कि मुझे काफी सही लगी है। एंड अनीता का कैरेक्टर का जो है ना भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर, आपको 10 सेकंड के ना उसकी मतलब कि ग्लोबल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको वैसे कौन सा कैरेक्टर पसंद है, अनीता कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, फिर अपना स्कैलर ज्यादा पसंद है, तो वो चीज मुझे करने जो इससे बता देना। मुझे तो भैया स्कैलर पसंद है क्योंकि मैं स्कैलर का मतलब काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत स्कैलर यूज करना आ गया, इसलिए मैं ना मतलब उसका थोड़ा सा फैन हो गया। ठीक है, तो ये जो अनीता कैरेक्टर आपको फेड एविलियन से देखने मिलने वाला है, मैंने आपको डेट बताई। ठीक है, और डायमंड की बात करें तो भैया इसके अंदर लगभग आपको गाइस मतलब कि ना मैं आपको लास्ट तो लास्ट के 1200 डायमंड लेंगे, बट अगर किस्मत छुए ना तो भैया आपको जो है 500, 600, 300 में ऐसे मिल सकते हैं। ऐसे आपके फेड में लास्ट डायमंड कितने लगे वो चीज मुझे करूंगे जो उससे बता देना। देखो मेरे तो ना भैया मैं आपसे साफ बता दूं, मेरे ना गाइस लगभग आज तक सभी डायमंड लग चुके हैं, बट मुझे आज तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो भैया मेरे तो बहुत ज्यादा डायमंड लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन गाइस आपके कितने डायमंड लगे वो चीज मुझे करूंगे जो उससे बता देना। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अपना जो नेक्स्ट अपडेट निकल गया ना भैया वो कमाल का अपडेट निकल गया। ठीक है, अब तुम लोग ऐसे पूछो कि भैया ऐसा कौन सा अपडेट दिखा रहे हो जो कमाल कर देगा, तो तुम सभी लोग अपने स्क्रीन पर यहाँ पर जो हमारी हार्ट वाली इमोट देख रहे हो ना, तो ये इवेंट है ना अपने इंडिया पे आने वाला है। अब ऐसे बोले इसमें ऐसा क्या खास बात है, इवेंट तो है लेकिन भाई इसमें ना आपको गई ना खुद डिस्काउंट देगी, मतलब कि आप अगर एक स्पिन करोगे ना तो 9 डायमंड का होगा, और अगर 10 स्पिन करोगे ना तो 9 × 9 कर लो भाई 78 डायमंड के करीब आपको लगेंगे। ठीक है, मतलब 10 स्पिन का। और मैं आपसे बताऊँ ऐसा क्यों होगा, ठीक है, आप लोग बोलेंगे भाई इसमें क्या खास है, तो मैं तुम सबको बैक करके दिखा दो। देख सो यहाँ पर कुछ डायमंड आपको दिख रहे होंगे, इसे सर्किल ना ये वील है ना, इसके साइड में कुछ डायमंड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो तुमको क्या करना है यहाँ पर स्पिन करना है। ठीक है, व्हील में जितने भी डायमंड आएंगे ना उतना ही डायमंड तुमको देना पड़ेगा यहाँ पर स्पिन के लिए। अच्छी बात ये कि भाई इसमें 2 डायमंड तक का है, मतलब अगर 2 डायमंड आ गए ना तो भैया तुम सबको यहाँ पर 2 डायमंड का पर स्पिन देना पड़ेगा। ठीक है, और 2 को अगर 10 से करोगे तो 20 डायमंड आप लोग 10 स्पिन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके व्हील आने वाला है। और खराब चीज ये भैया अगर आपके 48 डायमंड का आ गए ना तो पर स्पिन आपका 48 डायमंड का होगा, और 48 को 10 से कर लो यानी 480 डायमंड के आपके ना 10 स्पिन होंगे, मतलब भाई जहर वाला इवेंट होने वाला। ठीक है, अगर तुम लोग ने मुझसे काफी दिनों से पूछ रहे हो कि यार अपनी इमोट पार्टी कब आएगी और अपनी जो कोबरा M40 कब आएगी, तो मैंने कोबरा M40 के लॉटरी कल रात को कल शाम को एक मिनी वीडियो अपलोड करी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जगह वो जो चेकआउट कर लें। ठीक, और बात रही अपनी यहाँ पर इमोट पार्टी 2022 की, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, कल आई थिंक मैं मॉर्निंग में वीडियो प्रीमियर कर दूंगा, तो प्लीज जाकर जीरो से वॉच कर लेना। एंड सॉरी फॉर दैट गाइस कि मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, वैसे गए तो मैं ना भाई कन्फर्म होता तभी न्यूज देता, वरना गाइस लीक्स के तो भाई सभी देते। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस वाली वीडियो में नहीं दे रहा, बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ना कन्फर्म बाय इवेंट बताऊंगा एंड बताऊंगा कि कब तक आ जाएगी। ठीक है, तुम लोग ना यकीन नहीं करोगे गाइज, अपना जो लाइट पास है ना गाइज वो अपन को फेडेड व्हील इवेंट के दिन देखने को मिलने वाला है। अरे हाँ भाई हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और यार अपन का एक ऐसे सर्वर मतलब कि एक अदर सर्वर में ना एक ऐसा इवेंट जली ना तेरी भी जली ना, जिसके आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लाइट पास है ना गाइज, अपन को यहाँ पे फेड एविल इवेंट देखने मिल रहा है जो कि डिस्काउंट में। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ देख सो भाई 400 डायमंड आपको गारंटीड मिल जाएगा लाइट। तो ऐसा इवेंट तो गाइज आज तक अपने सर पे आया हुआ नहीं है, बट गाइज यार ये जो इवेंट है ना भाई अलग लेवल का इवेंट, तो ऐसा इवेंट फिलहाल आया हुआ नहीं, ना ही कभी आएगा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए रिव्यू करा रहा हूँ, आप सभी लोग देख लो भाई अलग अलग सर पे ना कैसे कैसे इवेंट आते और अपने सर पे कैसे कैसे इवेंट आए। ठीक है, तो मैं बस इसलिए आपको रिव्यू करा रहा हूँ, लेकिन भैया यहाँ पर गाइज मुझे लेटरली यकीन नहीं हो रहा कि कैसा भाई क्या बोले यार करीना
भाई कुछ भी दे रही तो एलाइट पास का डिस्काउंट है ना गाइस, फैड है विलियन दे रही, मतलब कि 400 डायमंड यहाँ पे कंफर्म बोल दिया कि 400 डायमंड तो मिल जाएगा मिलेगा। लेकिन खुशी की बात ये गाइस कि यहाँ पे इनको स्पिन करना पड़ेगा। अब स्पिन में फैड है विलियन कैसे किया होता आप लोग अच्छी जानते हो कि आपकी अगर किस्मत हुई ना तो भैया आपको जो है यहाँ पर 5 डायमंड की स्टार्टिंग है, तो मतलब कि 5 डायमंड मिल सकता है, 10 डायमंड मिल सकता है, 100 डायमंड मिल सकता है और 500 डायमंड मिल सकता है। मतलब गाइस इसे मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला इवेंट की अगर फैड है ना अपने लक अगर अच्छा हुआ ना, फैड है लक वर्क होता होगा ना, तो भैया अपन को जो है 5 से 10 डायमंड या फिर 100 डायमंड 50 डायमंड में ऐसे जो है एलाइट पास देखने को मिल जाएगा। ना गाइस अपने इंडस्ट्र पे आने के लिए ना इसकी चिन्नी मिन्नी से भी उम्मीद नहीं है कि पिद्दी से भी उम्मीद नहीं है कि इवेंट है, क्योंकि यार ये जो इवेंट है ना बहुत ज्यादा सस्ता इवेंट है एंड काफी अच्छा इवेंट है। गई ना अपने इस तरह पे ना सिर्फ टट्टी इवेंट देती है, ऐसा इवेंट तो भाई जिंदगी में दे ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं फाइनली यहाँ पे ड्रैको की 47 ड्रैको की 47 ड्रैको M10 के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वल्लाह अभी भी भाई हम तुमको कसम देते हैं कि तुमको ना इस वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, तुम सब्सक्राइब और लाइक नहीं करे तुमको पाप पड़ दे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ओ भाई तो जची निरापन पे तो छोड़ो गए, अपन तो नॉर्मल बात से बात कर तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो फाइनली बात करते हैं भाई ड्रैको की 47 के बारे में। भाई बार बार ना मेरे मुंह से ड्रैको की 47 को निकला, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोग समझ आना, समझ रहे हो ठीक है। मैं ड्रैको M10 की बात कर रहा हूँ, बट मेरे पता नहीं क्यों भाई एक ही फोटो निकाल, तो समझ आया ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना अपने भाई के लिए, ठीक है। चलो आपसे मैं बता सकते पहले यहाँ पर अपडेट निकल के आते हैं गाइस, वो अपने देखो सभी स्तर पे ना गाइस लगभग ना फ्री फायर के आई थिंक 13 से 14 सर्वर है, 15 सर्वर है ना, जिसमें से ना गाइस अपने 8 से 9 सर्वर ऐसे हैं यहाँ पर ड्रैको M10 ना गाइस वो रिटर्न आ चुकी है, ठीक है। अब वो आई हमारी 5th एनिवर्सरी के तौर पर, ठीक है। पहली चीज मैं आपको याद दूँ, दूसरी चीज की बात करें गाइस तो मैं आपसे एब्सोल्युटली अपने स्क्रीन पर यहाँ पर स्क्रीन शॉट देख पा रहा हूँ गाइस, मैंने आपको याद आपको मैंने ना मैकलाडो इसका आपको स्क्रीन दिखाया था कि वो रिटर्न आने वाले, वो भी हमारे फ्री फायर के मोड ने अपलोड करे थे, ठीक है। और अपने जो कोबरा M40 आने वाले मैंने उसको स्क्रीन पर रिव्यू कराया था, वो भी हमारे फ्री फायर के डाटा मैंने ना खुद की स्टोरी में लगाए थे, ठीक है। ये जो स्क्रीन शॉट है ना मेरे भाई, ये भी गाइज अपने फ्री फायर के डाटा मैंने खुद की स्टोरी के अंदर लगाया, जिन्होंने बोला कि नेक्स्ट फैड अवेल होने वाला ना वो अपना ईवो M10 का होने वाला है, ठीक है। तो जैसे गाइज मैं आपको पहले बताया एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं आपको कन्फर्म नहीं बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं गाइज अपने जो ड्रैको की 47 का जो फैड अवेल चला, तो आई थिंक 2 से 3 दिन बचे, मुझे कन्फर्म पता नहीं है, तो आज आप लोग मुझे ना कमेंट के बताना कि जो ड्रैको के फोटो है ना उसके कितने दिन बचे हैं, ठीक है, कि अपने फैड अवेल इंडिया सर पे, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूंगा इसके बाद ना इसके बाद ड्रैको के फोटो का जो फैड जैसे खत्म होगा ना, तो आपके अगले दिन आपके उसी मॉर्निंग में 4 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 4 बजे इवेंट आ रहे हैं, तो मॉर्निंग में 4 बजे आपको मैगलाडोन का जो हमारा फैड अवेल है ना वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है गरीना की तरफ से। देखो अपना जो ड्रैको के 47 है ना गाइस, वो आई थिंक 2 तारीख खत्म हो रहा है, फिर 1 तारीख खत्म हो रहा है, तो मुझे उसकी डेट पता नहीं कब खत्म हो रहा है फैड अवेल, अगर आपको पता है ना आपने देख रखी है आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। एंड इसके बाद ना उसके बाद हमारा एक फैड अवेल लगा मैगलाडोन का फैड अवेल इंडिया सब पे आ जाएगा, ठीक है, और वो चलेगा 7 से 8 दिन चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो को फैड अवेल आएगा ना वो गाइस हमारे 2 फैड में से 1 फैड कन्फर्म है, या तो गाइस हमारा AB40 का आएगा या फिर गाइस हमारा ईवो M10 का आएगा, ठीक है। मैं आपसे बता दूं अपने जो फ्री फायर का जो 5th एनिवर्सरी का पीक डे होगा ना, तो आपको ऐसे ही लगातार ईवो गन के ना फैड अवेल देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपसे बता दूं, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया गाइस, अपना जो स्क्रीन शॉट था ना डाटा मैंने जो लगाया था ऑफिशियल, तो वो भी आपको दिखा दे, ठीक है। एंड गाइस जो आई थिंक 10 से आपको मैं कन्फर्म डेट दे, तो आप लोगों ने मुझे भाई क्या बोलो इतने कमेंट बोलोगे ना कि भाई कन्फर्म तो बताओ यार। तो देखो सर जी अभी गाइस आप लोग पहले मुझे कमेंट में बताना कि ड्रैको के 47 के कितने दिन बचे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ मैगलाडोन का फैड अवेल आएगा, एंड उसके बाद आएगा गाइस अपने ईवो M10 या फिर कोबरा M40 का फैड, दोनों में से आप लोग कौन सा चाहते हो कि कौन सा फैड अवेल आए वो चीज मुझे कमेंट में बता देना। एंड ये जो फैड अवेल ना गाइस लगभग 10 से 10 तारीख या फिर गाइस 12-13 तक आ जाएगा, ठीक है। 12-13 तक ना गाइस जो न्यू फैड अवेल आएगा ना, नेक्स्ट से नेक्स्ट फैड अवेल आपको 12 बता रहा हूं भाई, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला फैड अवेल गाइस ना गाइस जो 12 या फिर 13 तारीख तक आएगा ना, उसके अंदर गाइस आपको दोनों में से एक ईवो गन की स्किन देखने को मिलेगी। अब कौन सी गन की स्किन देगी ये गरीना के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गाइस कंफर्म है कि दोनों में से आपको एक ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिसने भी डायमंड बजा करके भैया खर्च मत करना, डायमंड बजा के रखो, आपको लोगों 1200 डायमंड लगेंगे एंड आपको ना अपने फैड अवेल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर जरूर से पूछ लेना, बाकी कोई वीडियो पसंद आए ना तो भैया लाइक जैसे कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, मिलते वीडियो के साथ।